चिंकी भी दसवीं में है, गुड्डू भी दसवीं। आमंत्रण ही होगा बैंकेट हॉल आज तो मेरे पति देव के ऊपर चढ़ाई है ज्यादा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज गए हैं, संडे का दिन है और आज चिंकी के बालों को करना है वॉश। तो यहाँ पर इसने अपने घर के एलोवेरा को निकाल लिया है एक पत्ती, और इधर देखो तैयारी कुछ इस तरीके से चल रही है। घर में मेहंदी लगेगी बालों में, जेल जो खुद ही निकल गया। ये जो फ्रेश वाला होता है ना, इसकी जब कटिंग करते हैं ये खुद से निकल जाता है। मैंने माँ को छोटी छोटे ही पत्तियां जो है कटिंग करके दे दी, और चिंकी के बालों में लग जाएगा। इसके बालों की मजबूती हो जाएगी, सिर में ठंडक सी पड़ जाएगी। उतर गया ना सारा, और इसमें भी डाल दिया देख प्रीति ने। बाल ज्यादा बहुत हो गए, कमजोर हो रहे। प्रीति कभी भी केयर नहीं करती, चिंकी के बालों की केयर करते रहे बस। नहीं ठीक है, चिंकी जब अपने बालों को खुद वॉश करे ना तो उस पर अच्छे से शैम्पू नहीं होता। डाल तो दिया माँ इसमें, जैसे पत्ती काट रखी ना तो ये निकल रहा पानी सा इसमें से, तो इस वजह से वो इसमें गिरवा दिया। मन नहीं तो बच्चे गिरा होंगे। को बालों पे ऐसे रगड़ा है ना तो पत्तियां बिल्कुल साफ हो जा। आरुषि तू भी करवा ली अपने बालों की मसाज माँ पे, चिंकी के बालों की हो जाएगी तेरे भी। माँ कह रही मुझे सुबह उठ तो यहाँ चार पांच बाल है ना। आज इसकी नाने की छुट्टी है क्योंकि संडे का दिन है, मंडे मनावा गयो। ये नाच 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 मेरी बुलबुल नाच। कौन आरुष? पैसे का पैसा। इसके बालों का हाथ न लगावे, दुख लगा इसके बालों में। आरुष माँ नु कह रही नंदनी मुझे, मम्मी मेरा भी तो सूट सलवार सीमा का देख। मैंने कल खून पॉलिश लगाई जब एंजल दीदी का रात फोन आ रहा था। वो मेहंदी का दीदी फ्रॉक दिखा रही थी एंजल दीदी को। अच्छा। है, अरे वो इसे छोटा दिख रहा होगा है, और वरना याना तो कह रही हो तेरा नहीं लहंगा है यो मेरा लहंगा है। ये एक मम्मा जी की शादी का कार्ड आया, अभी मम्मी से पढ़ रही फुर्सत में बैठ के। ये बोल रही की आराम से पढ़ेंगे, देखो ये रहा हल्दी की रस्म है हमारे। जिस दिन शादी है उस दिन हमारे घर पे हल्दी की रस्म है, लेकिन शादी तो फिर भी अटेंड करनी पड़ेगी मम्मी को। होली है, चंदन है, खुशियों का बंधन है। हमारे चाचू की शादी में आपका अभिनंदन है, नंदू आकाश नंदनी। आकाश खुशियों भरा दिन होगा, जश्न जरा हटके होगा। हमारे मामा की शादी में अंदाज जरा हटके होगा। दिन की नहीं है रात की है बैंकेट हॉल। 5 मार्च की 5 को गया कोई फंक्शन है हमारा, आमंत्रण ही होगा बैंकेट हॉल। हाँ का नाम ये होता है जुगाड़ पोते पोतियों के लिए लस्सी और मक्खन बनाने का, जो एक माई कर सकती है केवल, वो भी दादी माँ कर सकती है। माँ को तो आलस आ जाता है और दादी माँ को आलस नहीं आता पोते पोतियों के लिए। और यहाँ पे दही जमी हुई थी और माँ ने मुझे लगा पहले भी इसमें पानी डाला था, लेकिन लाइट चली गई थी। और पीछे से हाथ लगाया जा रहा, तेरे लिए मक्खन निकल ले जाएगा बेटा। अभी मैं खाना बनाऊंगी, आलू गाजर कट चुके हैं, प्रीति ने काट दिए चाय पीते पीते बैठ कर यहाँ पर। और अभी आज बच्चों का नहाने का मन नहीं है, कह रहे संडे की छुट्टी है, कैसे समझा इनको। लाओ ये चार्जर मुझे दे दो, ये है बाइक का चार्जर, बाइक ना आराम से चार्ज हो जाए। ये पॉइंट है हमारा लाइट का, ना कि इन्वर्टर का। माँ कभी भी कोई भी चीज लाइट के चलाने से बैठे चप्पल पैर कर रखनी चाह। चल गई लाइट नहीं भागी, चल गई। सुबह सुबह डांट खाने के काम, सारे कॉफी के गिलास जो थे वो सारे चिपका के धर दिए। ना एक बंदूक सी मिली ना ग्लूगन वाली, उस तक पता नहीं क्या करना चाह रही है चिपका चिपका के। हर टाइम अड़े बड़े ढावे उल्टे सीधे काम करे, और हमें बतावे कोई अड़े बड़े ढावे। और ये लगी हुई है आज माँ के अपने कपड़े संगवाने में। कुछ कपड़े मैंने इसके रख दिए कल गर्म उठा के, क्योंकि अब ज्यादा सर्दी के कपड़ों की जरूरत नहीं है। और इसने माँ के सारे कपड़े लगा दिए। लगा दे बेटा कुछ कपड़े इसमें से रखे जाएंगे, माँ के भी गर्म बहुत सारे हो रहे। और इसे आज खुद ही नजर आ गया कि तेरी अलमारी में कोई नहीं संगवाएगा, तू खुद ही संगवाओगी। तो इसने संगवा दिया। चलो अच्छा किया बेटा तुमने, अच्छे से क्रम वाइज कपड़े लगाए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी देखकर। और अड़गम सड़गम कचरा कबाड़ा सब निकाल दो कमरे में से, ठीक है? और डीप क्लीनिंग हम खुद कर लेंगे। लग रही है मेरी पन्नी का है दवाई की, और इस डोर में रखी। बालों की मजबूती के लिए सुबह से की जा रही है मेहनत। और जो ये बचा हुआ एलोवेरा था वो सब मेहंदी में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल और डाल लो। डाल दिया था। हाँ ज्यादा पतली तो बैठ। अब इसमें कलर तो छोड़ दो इसे। आज कई दिनों बाद लंच बनाने की तैयारी मिट्टी के चूल्हे पर। कल हरी में बनाई थी हमने सब्जी, और आज मैंने बनाए हैं आलू गाजर मटर। प्रीति ने कटिंग कर दी थी। चिंकी के लिए मैंने निकाल दिए हैं बिना धनिया वाली सब्जी आलू, और इसमें है ज्यादा गाजर। ये देखो इसमें मटर गाजर धनिया पत्ती सब कुछ डाल के छोटे बर्तन में मैंने निकाल दिया। वैसे सब्जी बनाई थी मैंने कढ़ाई में, और मैं से बोल रही बेटा ये सेकने वाली हाथ वो समय चला गया, अब ठीक खासी धूप निकल रही है, तुम जरा अंदर जाकर पढ़ाई कर लो कमरे में बैठ के। लेकिन ये मेरी एक नहीं सुननी। अभी यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख रखा,
क्योंकि भाई भैंस दूध देती है अकेली, वो सारा दूध चला जाता है चाय पानी में, और जो बचता है वो बच्चों के लिए गर्म करके रख देते हैं। जब इनका मन करता है, भूख लगती है इन्हें, तब ये पी लेते हैं मीठा करके। और आजकल तो ये डाल रहे हैं इसमें, क्या डाले, बॉर्नविटा। और ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही, ये देखो इस मुड्डी पे यही बैठी, इन्हें कह रही मैं तो आज सेकूंगी। पीछे हरी में भी आँच है और आगे चूल्हे में भी आँच है बेटा। वैसे इतनी तेज धूप हो रही है, एक जगह नहीं बैठे जा रहा इतनी तेज धूप में। इसे मुंडी को लेके अंदर चलिए जा, तेरा रंग काला हो जाएगा आरुषि। ऐसा तो फेशियल करवा के भी नहीं होता जहाँ तेरा रंग हो रहा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे तो, दूध का कदियो निकल जा। ये देखिए नंदनी, खाना खा ले बेटा, बिस्किट खा के काम न चला वे। लुल्लू हो जा, छोटे छोटे है, बिस्किट खा के ज्यादा। पिताजी ने चिंकी को लगा दी बहुत तेज वाली डांट, क्योंकि चिंकी ने गत्ता गत्ता फला रखा, बहुत सारे लेके आई थी वहाँ। अब तो इन्होंने रद्दी और कबाड़ी थोड़ी ही बेची थी, और इतने फेर इन्होंने निकाल के फेंक दी चिंकी को ना। गुड्डू के कपड़े जो छोटे हो रहे वो बढ़िया आ रहे। दसवीं का पेपर है अंकित का, तो हम तो अनपढ़ है भाई, सारे गवार है। गोबर हम पत्ते है, कितना मजदूरी हम करे, हम तो जैसे ऐसे है सबके सामने, कर लो क्या करो। प्रीति को गुस्सा आ रहा, ये देखो अंकित का भी दसवीं का पेपर है, इंटर तक भी नहीं गया ना गगन गया, सारे एक साल में पैदा हुए थे, सारे दसवीं में ही है, दसवीं पढ़े भी लो। आगे बढ़े ही नहीं बिल्कुल भी। चिंकी भी दसवीं में है, गुड्डू भी दसवीं में है, सब दसवीं में है। ये स्कूल में ही नहीं गई आज लो। पिताजी भी दसवीं में, पिताजी हम रख देंगे सर एंड दो। मम्मी देखो कह दिया नहीं पिताजी ने, नोनू को थारे बस की नहीं है। मम्मी व्हाट डू यू मीन बाय एबीसीडी? नो नो, मुझे कुछ नहीं आता, एबीसीडी वीडी बीडी के बारे में कुछ नहीं पता। बाल साफ कर लिया जी, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? अंकित तो दसवीं का पेपर देने जा रहा, अंकित ने आज तक एक भी पेपर नहीं दिया, नौवीं के पेपर भी दिया, बस डायरेक्ट दसवीं के ही दे रहा हो तो। और ये जो भाई साहब कमेंट कर रहे ना, हर चीज पर रिप्लाई कर रहे, थक जाओगे, कुछ ना होने वाला है। बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है, सबका आशीर्वाद प्यार है, कोई दिक्कत ना है, जो कुछ है सबके सामने है, दिखावा कुछ नहीं इसका, दिखावा हो ना उसे डर लगे। सच्ची जी, अगर इस बार कोई आंसर आवेगा ना तो इंग्लिश में लिखियो, माइंड योर लैंग्वेज। ये देखो ये मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाता लेकिन इसको फिर भी पता है। हमारे ये अपनी झंड करवा रहा है कमेंट कर करके बेचारा, जो भी है लेकिन है जानने वाला, ये बात कन्फर्म है। अभी जैसा कि दिन बड़ा होने लगा है तो हम लोगों को भी आलस आ रहा, आलस भरे दिन चल रही है। और अभी हमारे सारे पशुओं ने अपना खाना पीना कर लिया, और कृष्णा क्या हाल चाल है, ये देखो हमारी कृष्णा और हमारी गौरी, एक काली एक गोरी, और इसको हम सेल करेंगे, अगर किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा। काफी अच्छी है, अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, दूध निकालने का, दही खिलाने का, मक्खन बहुत होता है इसके दूध में, बहुत गाढ़ा दूध है, बहुत प्योर है ये। और ये कृष्णा इसकी तो फर्स्ट होगी, लेकिन इसके सींग से मुझे थोड़ा डर लग रहा। ये कोई नहीं, अभी बच्ची है ना, जैसे जैसे बड़ी होगी तो इसे भी समझ आ जाएगा। क्या कह रही है पिताजी को, गिरी पीस का दे देंगे, सुनो इसमें दो चार तिल सक गिर ले मिट्टी सी हो जाएगी, फिर दस का लगने का डर नहीं रहता। माँ मेरे ऊपर तो ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अपने जेठ जेठानी भी इसने घर से निकाल रखे, बता क्या करूँ। तो दुनिया के क्या मुंह पकड़े जा, किसका लाठी मारे बताओ। माँ है, पिताजी है, चाचा जी है, सब है, परिवार है, मोहल्ला है, पड़ोस है, गांव है, राम है, इस चीज के गवाह। कोई किसी के निकाटे तो निकटता बताओ, नु तो मैं प्रीति को भी काट दूंगी। अंत प्रीति तू जाए अंत, नहीं तो कह रही मतलब बोलने वाले की जीप काबू में नहीं है, पकड़े जाती क्या सही बड़े ने मारते के तो आदमी पकड़ लग जाते थे, क्या जुबान पकड़ी। हाँ, और जो झूठे सच्चे इल्जाम लगाना वो इंसान भी खुद अपने आप भी ऐसा ही होगा, वही तो कह जो खुद ऐसा हो। बताओ जी माँ है, माँ अपने बेटे बहू को कैसे निकलवा देगी, उनकी मर्जी है, फ्रीडम है, सब जो अपने हिसाब से कर रहे खा रहे, करण तो खान दो ने। क्या माई की मम्मी को, माई के पापा को, माईर को घर से निकाल लेते, इस बबले ना बहुत चालाक है। यह तो बात हमने पहले बताई थी, घर है इतना बड़ा, घर पड़ा इतना बड़ा घेर बना दिया, नहीं पड़ा सारा ऊपर तले का निकल। नहीं तो कह रही एक ही कमरे में तो काम कर रहे है, दूसरे घर में ऐसे लोग आग बालने की कोशिश करे, उनको फेरिए ना कहे और बस लड़ाई हो गई, लेकिन हम सब कुछ समझे। रात के बजे है 9:30, 9:34 हो चुकी है पूरी, और अभी तक इसके पापा नहीं आए, इंतजार करके ये सो गया है यहाँ पे। और ये देखो कंबल तो ऐसा उड़ रखा है इसने, ना बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन इसे ना मुंह ढक्का ही नींद आया, इसे अंधेरे में सोने की आदत है पूरी, क्योंकि मैंने लाइट खोल रखी। और गुड्डू यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, वो चली गई, और आज उसने 9:30 तक करी, वो सोएगी, उन्होंने कह रही थी पूरा दिन हो गया मुझे आज अपने पेपर की तैयारी करते करते।
और किनारे में पड़ गई सो रहा बिल्कुल, क्योंकि मेरा लेटने का टाइम नहीं था इसके पास में, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और बस थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। अभी वो पहुंच गए थे बड़ोत क्योंकि फोन किया था हमने और ये बात करके सो गए, उनको पापा जी कितनी देर लगेगी। तो शॉपिंग जो है आज की उनकी कम्प्लीट होगी जो करवाने के लिए गए थे, और मैं डॉक्टर के आज जा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं ले जाने वाला। प्रीति मुझे बोल भी रही थी फिर मैं नगा रिक्शा में जाऊंगी फिर टाइम लग जाएगा दोनों को, बोला उसने मुझे कई बार। फिर मैंने सोचा कि पर्चा जो है मैं भिजवा देती हूँ अमित के हाथ से तो दवाइयाँ मेरी आ जाएगी, तो उसने जो है फ़ोन पे डॉक्टर साहब से बात करा दी थी। तो मैंने जो है आपकी बार 10 दिन की दवाइयाँ मंगाई है, ये आ गई, अभी दवाई लेंगे अपनी और बस फिर जो है मैं भी थोड़ा सा अपना ये काम निपटा के आराम करूंगी, सोने का वक्त हो जाएगा जब तक। आज तो मेरे पति देव के ऊपर चढ़ाई है ज्यादा, क्या लगा सुनील ये फलाना डिगड़ा क्या है, सुनील तुम क्या जानते हो उनके बारे में, पहले तुम खुद के गिरिवान में जाग के देखो और तुम्हें फिर पता लग जाएगा कि क्या है सुनील जी, ठीक है कितना जानती हो। और मुझे पता भी है ये लड़की, लेकिन आईडी बदल के इन्होंने जो है मतलब इन्हें जितने हमारे रिलेटिव है ना सबका पता ही देखो, है ना बहुत होशियार इंसान ये कमेंट करने वाला, कर ले भाई चाहे सारा दिन कमेंट करके भरा कर, नेगेटिव ही सही कमेंट तो आ रही हमारे पे, कुछ फायदा ही होगा हमारा, खूब लिख जो कुछ लिखना लिख ले, मेरे बारे में लिखना मेरे पति के बारे में लिख ले कुछ ही लिख ले, तेरे जसों के मुंह ना लगते कुछ और कसर रह रही हो वो भी लिख ली, हमारे परिवार के बारे में सुन ली मेरी सासू माँ की बात क्या कानून है। जलील जाहिल इंसान बंद कर अपने कमेंट लिखने, ये कुछ लोगों की फितरत गाय जैसी हो, उन्हें सिर्फ यही काम हो दूसरे के घर में झांकना, मतलब इसे हमारे हर एक रिलेटिव का पता, आप समझ सको फिर कौन है, आप भी समझ सको समझदार हो, हमारी YouTube फैमिली पूरी समझदार है, लेकिन नहीं ऐसे लोगों को अगर आप जलील भी करोगे ना जाहिल इंसानों को तो ये जब भी नहीं मानते रुकते ना, क्योंकि इनकी फितरत ही यही है और ये दुनिया में यही कर्तव्य करते करते चले जाए, ऐसे काम ही करते करते ये रुकते ना, पिटने तो ये ना रुके, छितने तो ये ना रुके, बेइज्जती तो ये ना मनने, इन्हें पता ही नहीं कुछ इज्जत बेइज्जती का, कुछ ना पता इन्हें गाँव समाज में रहने का परिवार में रहने का ऐसे लोगों को, और ये ऐसी औरतें किसी का घर भी नहीं चला सकती। और ये सारी चीजें क्यों क्रिएट करी जा रही मैं बताऊं आपको, ये अमित की शादी में भंगना गिरने के लिए मतलब इंजॉय खराब करने के लिए करी जा रही, लेकिन कुछ ना होने का इन सब चीजों से, शादी ना रुकने की, वह होकर रहेगी वो तो बनो आगे रहेगी चाहे कोई कुछ ही कर लियो, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, बाकी औरतों चाहे कोई कितने भी अड़े बड़े डालियो। चलिए फ्रेंड्स आज के व्लॉग का कर देते हैं यही पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करे, और इन मैडम से भी बोलूंगी भर भर के कमेंट करे और लाइक भी करे और खूब जलील होवे हमसे भी और हमारी YouTube फैमिली से भी। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।